नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर के बारे में। सो गाइस फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यूसली शेयर में दोस्तों अपर सर्किट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब कमेंट्स भर भर के ये देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर टू में क्या कंपनी 100% डिविडेंड देगी या नहीं, क्या कंपनी का फंडामेंटल क्या होने वाला है और आगे चलकर कंपनी की जो तेजी है वो किस प्रकार देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी के जो एक्सपर्ट की जो राय है वो क्या होने वाली है और हम लोग को कितना जो है होल्ड यहाँ पे बनाने चाहिए और कितना जो है होल्ड हम लोग को बाय करके रखना चाहिए और अभी टाइम क्या फंडामेंटल कंपनी को लेकर अब बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो टोटल जो जानकारी है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों अगर आज की ओपनिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओपनिंग जो देखने को मिली दोस्तों 2.35 रुपये के साथ यहाँ पे ओपनिंग आज की रहने वाली है और जो हाइएस्ट जंप यहाँ पे देखने को मिला वो 2.40 रुपये तक का यहाँ पे देखने को मिला। पर इस बीच जो गिरावट यहाँ पे नजर आई 2.35 रुपये तक देखने को मिली। लास्ट क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो 2.35 रुपये पर ही देखने को मिली थी, पर आज जो क्लोजिंग रही है 2.40 रुपये पर यहाँ पे देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में जो तेजी यहाँ पे बनी है वो 10 पैसे की तेजी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है और 4.35% के रिटर्न पर जंप आप लोग को नजर आने वाली है। तो फंडामेंटल सेगमेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी एक टाइम जो देखने को मिल रहा है वो स्ट्रॉन्ग आप लोग को नजर आने वाला है। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे देखा जाए तो होल्ड रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पे रहने वाली है। और दोस्तों मैंने आप लोग को पिछले टाइम बताया था कि जो बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों वो भी यहाँ पे बाय करके होल्ड रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़े इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं और अभी टाइम कंपनी का जो फंडामेंटल सेगमेंट है वो काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नज़र आ रहा है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 400 करोड़ के ऊपर यहाँ पे पहुँच चुका है। तो इसका मतलब ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में तेजी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे जो तेजी नजर आ रही है वो काफ़ी बड़ी इस बाद में जाकर तेजी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं हम इस प्रकार की तेजी के साथ मार्केट के साथ चल सकते हैं। पर दोस्तों अब यहाँ पे देखें तो इस प्रकार की जो तेजी है वो एक साथ इधर से देखते हैं तो दोस्तों तेजी किस प्रकार की नजर आती है हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तेजी है वो किस प्रकार बढ़ती हुई नजर आई है। तो अभी के टाइम कंपनी में सबसे बड़ा जो नजरिया है दोस्तों होल्ड रखने का नहीं होना चाहिए और आने वाले 2 से 3 साल का जो कंपनी का फ्यूचर है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सुनहरा यहाँ पे होने वाला है, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि लगातार कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है और कंपनी कर्ज मुक्त अभी के टाइम नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी में जो डेटा नज़र आ रहा है दोस्तों पॉजिटिव डेटा यहाँ पर रहने वाला है और कंपनी में देखने को मिला कि कैलकुलेशन टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 95% का जो डेटा है वो बिग टाइम पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो फिलहाल बिना किसी झिझक के दोस्तों कंपनी में होल्ड यहाँ पे रख सकते हैं, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे 1 महीने की अगर बात की जाए तो 1 महीने का जो हाइस्ट जंप 2.60 रुपये का हम लोग को देखने को नज़र आया, रिटर्न की अगर बात की जाए तो 6.67% की रिटर्न पर जंप हम लोग को नज़र आ रहा है। और फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यूसली जो मार्केट में तेजी जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है और बीच बीच में मार्केट में जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी में जो शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा भी यहाँ पे बुक होता हुआ नजर आ रहा है। तो होल्ड रखना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों तेजी जो है धीरे धीरे अगर यहाँ पे बढ़ती हुई रिकवरी देखने को मिल रही है तो आगे चलकर कंपनी का जो तेजी है वो काफ़ी बड़ी यहाँ पे नजर आने वाली है। और अगर यहाँ पे मेरे एनालिसिस ये कहते हैं कि आने वाली दोस्तों 2 से 3 साल की जो कीमत शेयर की जो प्राइस यहाँ पे होने वाली है वो दोस्तों 20+ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो होल्ड रखने की आवश्यकता रहने वाली है। फिलहाल आप लोग को बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल डेली की ओर लेकर चलो दोस्तों। उससे पहले बता दूं चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में बाइंग ऑर्डर कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एक टाइम दोस्तों आज की इंट्राडे के टोटल वॉल्यूम अगर यहाँ पे देखा जाए तो 41,80,898 शेयर की टोटल जो वॉल्यूम है आज के इंट्राडे के बीच यहाँ पे देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो ट्रेड वैल्यू आज का रहने वाला है वो 98.67 लाख का देखने को मिला है। उस बीच कंपनी का टोटल मार्केट कैप 41,29.27 लाख का ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली मार्केट कैप सेगमेंट भी बिग टाइम स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। उस बीच कंपनी की इंपैक्ट कॉस्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1.17 की देखने को मिल रही है, काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट कॉस्ट देखने को मिल रही है। कंपनी का डेली वॉलिटिलिटी अगर आज के यहाँ पे देखा जाए तो 4.35 की रहने वाली है। टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो 83.11% पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे पिछले जो डिलीवरी अगर देखने को मिली आज के इंट्राडे में वो 72.21% की जो बड़ी डिलीवरी है हाई लेवल वाला जो रिटर्न है वो कंपनी में आगे चलकर फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। तो होल्ड यहाँ पे अगर रख सकते हैं। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी लगातार दोस्तों नए टेक्नोलॉजी के बेसिस पर काम करने के बारे में कंटिन्यूसली जो बड़े प्लान है वो यहाँ पे बनाती हुई नजर आ रही है
और छोटी कंपनियों को अगर अधिग्रहण करती है तो कंपनी का जो फंडामेंटल सेगमेंट है वो कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलने वाला है। तो होल्ड रखने की आवश्यकता अपने रहने वाली है। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी कर्ज मुक्त यहाँ पे रहने वाली है। कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों बिग टाइम पॉजिटिव वे में देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फंडामेंटल नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले टाइम जो फंडामेंटल था वो नेगेटिव पर देखने को मिल रहा था, पर अभी टाइम पॉजिटिव पर देखने को मिल रहा है। तो होल्ड यहाँ पर रख सकते हैं, लगातार फंडामेंटल जंप कर सकता है और तेज़ी कंटिन्यूसली बनने वाली है। फिलहाल दोस्तों इस शेयर के बारे में अपनी कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।